हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शेर खान यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका आप शेर खान में प्रोफाइल कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उसमें प्रोफाइल में आपको दिखाएगा आपका नेम, नंबर और लॉगिन आईडी, कस्टमर आईडी, एड्रेस, ब्रोकर डिटेल्स और नॉमिनी, जैसे कि आपने अगर रिसेंट में अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया हो या फिर आपका एड्रेस अपडेट किया हो, तो आपको वो शेर खान एप्लीकेशन में दिख सकता है। तो चलो, अभी मैंने अपना शेर खान एप्लीकेशन लॉगिन करके रखा है, तो आप भी लॉगिन कर सकते हैं अपना शेर खान एप्लीकेशन। तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखा दूँ कि ओवरव्यू पे आप टच करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है प्रोफाइल, तो आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। जैसे कि आप प्रोफाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगी। जो फर्स्ट डिटेल दिख रही है ट्रेडिंग प्रोफाइल में, आपको आपका नाम दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, बर्थडे दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी दिख रहा है, फिर आपकी कस्टमर आईडी है, पैन कार्ड है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि आपका ब्रोकर का नाम क्या है, ब्रोकर के ब्रांच कोड क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पर आपको पूरा ब्रोकर के डिटेल भी दिख रही है। उसके बाद एक ऑप्शन अवेलेबल है डीपी प्रोफाइल, आप ऐसे डीपी प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे भी सेम डिटेल है। तो इसमें आपको डीपी आईडी दिख रही है, अब नेम दिख रहा है, कब आपका अकाउंट एक्टिव हुआ था वो दिख रहा है, आपका नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, अगर आपने आपका कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट किया तो वो अपडेट होके यहाँ पे दिखाएगा, अगर ईमेल आईडी अपडेट किया तो ईमेल आईडी दिखाएगा, अगर एड्रेस कुछ अपडेट किया है तो एड्रेस है, क्योंकि जब भी शेर खान का आप एड्रेस अपडेट करते हो तो उसमें अगर आपको कुछ शेर खान के थ्रू कुरियर आना है तो वो आपके एड्रेस अपडेट पे आएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करते हो न्यू मोबाइल नंबर, तो उस पर आपकी ओटीपी आती है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आती है, तो जिससे आप अपने आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बैंक डिटेल्स भी दिखा रहा है और पैन कार्ड भी दिखा रहा है और आपका स्टेटस है वो एक्टिव बता रहा है। अब चलते हैं हम बैंक डिटेल में। तो आप बैंक डिटेल में देख रहे हो कि मेरे दो बैंक ऐड है, एक सारस्वत है और एक HDFC बैंक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके बैंक के डिटेल्स दिखा रहे हैं आपको पूरा। इससे फिर आप चलते हैं MA प्रोफाइल में, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके नाम, डिटेल, कस्टमर आईडी, ये सब यहाँ पे भी अपडेट है। और यहाँ पे मेन पार्ट है जो नॉमिनी, जो आपने अगर नॉमिनी ऐड किया है तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल दिखेगी। जैसे कि मैंने नॉमिनी ऐड नहीं किया है, तो इसमें वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉमिनी की, पर अगर किसी ने ऐड किया तो उसको पूरे डिटेल में शो कर सकता है नॉमिनी। फिर लास्ट में भी वही सेम पेज है जिसमें आपकी पूरी डिटेल शो कर रही है कि आपका पूरा एड्रेस अपडेट है। तो अगर इसके रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, और आपको हम उसके लिए उसके रिलेटेड वीडियो बना के देंगे। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।